हम दोनों दोस्त मुंबई की सबसे बड़ी झुपड़पट्टी में पैदा हुए थे। लोग इसे भूल भुलैया के नाम से जानते थे। ये शहर का वो हिस्सा था जहां हम जैसा कचरा फेंक दिया जाता ताकि बाकी का शहर साफ रह सके। भूल भुलैया जैसे होलसेल मार्केट था गैर कानूनी चीजों का, जहां नकली ब्रांडेड कपड़े, पायरेटेड फिल्मों की सीरीज डीवीडीज, जान लेने वाली नकली शराब, और यहां तक कि इंसान भी खरीदे और बेचे जाते थे, कोई लिवर के लिए तो कोई जिस्म के लिए। लेकिन हम दोनों पंडरों का सीन कुछ अलग था। भूल भुलैया का सबसे सरस धंधा था चरस। हम जैसे 200 से ज्यादा लड़कों का नेटवर्क था जो चरस पहुंचाते थे बॉस के लिए। माफ खान येड़ा भूल भुलैया में चरस का सबसे बड़ा डीलर और एक नंबर की येड़ी खोपड़ी। चाय पहुंचाते पहुंचाते हम माफ खान भाई के करीब पहुंच गए। बॉस का सारा काम देखता था ये बॉस का राइट हैंड। लेकिन इसकी कहानी पर हम बाद में आते। हमारा एक ही मकसद था। हम दोनों दोस्त ही बॉस की तरह ताकतवर और अमीर बनना चाहते थे। 4 feet 2 inches ही सही, मगर वट अपना भी था। और चार पांच दिन के बाद नहीं दिया। ए शाणे, किसे ढोकेगा बे? हम लोग बैठे हैं ना इधर। इधर जो भी होएगा, पूछ के करने का। चल कमती हो जाओ तुम लोग। तू भी यार, क्या भाई तेरे साथ ना मैसेज करना मांगता है क्या बे? ओ भाई, इसने मेरा डिलीवरी का चरस घपचा लिया है और वापस नहीं कर रहा है। क्यों बे, वापस क्यों नहीं दे रहा? चल निकाल। लेकिन भाई मैंने तो लिया ही नहीं है। ए लिया था ना तूने, बोल बच्चन मत कर, उसका माल वापस कर उसको। इसने लिया था मेरे से। ए भाई ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। तू, मैंने बोला था ना तेरे को मैं खाना लेके आऊंगा। और डॉक्टर साहब ने भी आराम करने के लिए कहा है ना। अरे चल चल, बहुत हो गया तेरा डॉक्टर वॉक्टर। हां चल चल, गम्मत मत करो। पहले तू पहले यहां बैठ। अरे पर बैठ इधर, बैठ ना। ये देख मैं क्या लाया तेरे लिए। बिस्लेरी पानी, साफ एकदम। आज से यही पानी पिएगी तू। सारे मेरे लोग यही पानी पीते, इसलिए बीमार नहीं पड़ते, समझी? अपने गंदे नाले का पानी तू कितना भी पिएगी ना, उसमें से कीड़ा नहीं जाएगा। आज से तू यही पिएगी। अरे ये ले, पी पी ना माँ। बस बोतल का पानी। माँ भी हमारी तरह जिद्दी और फाइटर थी। हमारा पेट भरने के लिए जिंदगी से लड़ती थी। याकूब के माँ बाप 7 साल पहले ट्रेन की पटरी क्रॉस करते करते मर गए। मरने से पहले याकूब को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया और उसके सामने टुकड़े टुकड़े हो गए। वो अक्सर नींद से चीख कर उठ जाता। हमारे बाजू वाले थे वो। मुंबई में याकूब का और कोई नहीं था तो माँ ने उसे अपना लिया। उस दिन से मुझे एक भाई मिल गया। चरस के अलावा हमारा और भी एक सुम धंधा था जिसमें हमारा दोस्त और पार्टनर था रमेश। क्या भिड़ लोग, आज का प्लान फिक्स है ना? एकदम टाइट है, टाइट। क्या बोलता विजय भाई? इस बार कोई अच्छा कस्टमर पकड़ना। हाँ। पिछली बार कुछ खास माल नहीं मिला था। अपन 2-3 बारी पार्टनरशिप में काम किया है। अभी अभी आगे आगे देखो ना क्या होएगा। आज रात को ही देखना। हुँ।
ये चॉपर देखा है ना, चल मुंडी एक बार करूंगा ना तो उस कान से इस कान तक स्माइल करेगा तू, समझा? ये अंगूठी निकाल, चल ये चेन निकाल, ये निकाल, चल, चल। तू मोबाइल देख रहे, इधर ला, इधर ला, इधर साला वो इतना ही निकाल, निकाल यही है सिर्फ। अरे छीना ले ना इसे, यही छोड़ और तू कमती हो जा, चल 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 निकल जा तू, चल चल निकल। अच्छा माल हाथ लगा रहा है। ए, चलो 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 चलो, ए कल्टी मारते, चलो चलो उठो उठो। ये मैं ले रहा हूँ यार। ए बापू, ये उसका नहीं मेरा फोन है। तो क्या हुआ, सेठ का फोन भी तेरे ही पास है ना? ए? पिछली बार फोन वाला कस्टमर मिला तो उसका फोन भी तूने ही रख लिया। ये देख रहे कितने का फोन है इसके पास। अरे मैं, अरे दे देना यार, अपने याकूब भाई की भी तो कोई इज्जत है मार्केट में। अरे काय का याकूब भाई, ये मेरे को छिनाल बोलता है। अरे तू तो दिखती भी है छिनाल के माफिक। वहाँ रमेश याकूब को दौड़ा रहा था और यहाँ मुझे कोई और ही फिक्र लगी हुई थी। माँ काफी बीमार पड़ने लगी थी, डॉक्टर बोला उसका लिवर पूरा सड़ गया था, बड़े अस्पताल में इलाज करवाना होगा। ये वो दिन था जब हम बच्चों से बड़े हो गए। आज का एक गांधी। माल पहुंचा 5,000 का, मिलेगा सिर्फ 100 रुपए। साला जिंदगी भर हम लोग यही काम करते रहेंगे। मेरी बात सुनिए याकूब, ये रमेश का 25%, हुसैन का 100 रुपए, अब बहुत हो गया सब। अगर अपने को आगे बढ़ना है ना, खुद की गैंग बनानी होगी। याद रख याकूब, भूल भुलैया में सब इज्जत और पैसे की बात है। तो क्या सोचा तूने? दो और करंडिये चाहिए मेरी नजर में, फिर एक बड़ी लूट, दिन दहाड़े भीड़ के बीचों बीच। लेकिन लूट का माल बिकेगा नहीं तो सब बेकार है। उसके लिए अपने को इन सब के पाप से मिलना पड़ेगा। बॉस, बॉस ये ले, तो भी आज सफा कर, नहीं करने का है? करने का है बॉस, लेकिन ये नहीं कुछ और। हम लोग आपके पास एक बिजनेस डील लेके आए। ये देख, ये भी अपुन के पास डील लेकर आया है। चल निकल इधर से, बॉस के पास और भी बहुत काम है। अरे सुनने तो दे, डील क्या है? हमने अपने आगे बढ़ने का मौका ढूंढ लिया था, हमको जरूरत थी बॉस के सपोर्ट की। मगर बॉस का एक उसूल था, उसका कोई भी पंटर भूल भुलैया में कुछ भी करे, उसका 50% बॉस को जाता, और उस 50% के बदले में बॉस अपनी सेटिंग से पंटरों के लिए बाकी सब संभाल लेता। इतना डेयरिंग है साला, तुम लोगों को देखकर अपुन को अपना बचपन याद आ गया। जा, त्रोटी एक चांस मिले, जा। अपने पास Yeah!
निकाल निकाल जल्दी। बिस्तर दे बिस्तर दे। विजय हाँ, ये पैसों के साथ अपन सेट हो जाएंगे यार। काम अपन ने किया तो बॉस को क्यों 50% देने का? क्या मतलब? देख, बॉस को इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन को है। आज रात कोई माँ को लेकर भूलभुलैया से भाग जाएंगे हम लोग। देख, मुंबई भूलभुलैया से बहुत बड़ा है, 8-10 साल बाद वापस आ जाएंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। बॉस को खबर होने से पहले कमती हो जाते हैं। मुझे ऐसी बहुत सारी जगह पता है जहाँ हम बढ़ सकते हैं। निकल दे, लेकिन माँ को बहुत बड़ी गोली देनी पड़ेगी। चल निकल दे जल्दी। ये साला मेरे को बोलता था कि बवाल हो जाएगा, लेकिन तुम लोग साला कर दिखाया। मार्केट में पुलिस पब्लिक सब परेशान है। चल एक काम कर, अब तुम लोग गलती हो जाओ, बाद में बंगले पर आना, वहाँ हिसाब करेंगे। बॉस, हमें हमारा 50% दे दो ना पहले। अरे बच्चे, रास्ते में पकड़ा जाएगा। चलेगा, लेकिन हमें हमारा हिस्सा दे दो ना। तेरी माँ की आँख बॉस से इस तरह बात करता है? ये चिंदी माल के लिए? हाँ, हाँ, पूरे दिन लगे भाई इन सालों को ढूंढने में। एंटॉप हिल के एक हॉस्पिटल में अपनी माँ को भर्ती किए, और मालूम साले नई खोली भी करी थे। इनके साथ के दो छोकरों ने टिप दिया, तब जाके साले पकड़ में आए हराम साधे। बोलो भाई अभी क्या करना है? चल कलम लगाओ अगमारे। बोलो भाई। दफा 390 रॉबरी। 394 रॉबरी के वक्त किसी को बहुत ज्यादा घायल करना। 320 भाई। 320 क्या है? चेहरे पे वार करने का। अरे क्या बात है भाई, मैं तो भूल ही गया था। 307 हाफ मर्डर। और 302 भाई मर्डर। लोग नहीं तो क्या? मैं मर्डर किया बॉस का। पकड़
चलना चूती है, दर्द हो रहा मुझे। अरे अरे निकाल गाड़ी, अरे बहुत दर्द है। अरे चल बोला की माँ की आग, अरे निकाल रे गाड़ी निकाल। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। विजय कामले एजेड 13 एंड याकूब अंसारी एजेड 12 आर हियर बाय सेंटेंस फॉर द मर्डर ऑफ श्री माफकान सरगे एन ऑर्डर टू बी सेंट टू द नागपाड़ा जुवेनाइल होम। शहर के सारे बड़े अखबारों में हमारी फोटो छपी। देश में बच्चों की यह सबसे बदनाम जेल थी जहां हमें भेजा जा रहा था। मगर सुना था अंदर मर्डर करने वाले लड़कों की बहुत इज्जत होती थी। ये साला पिल्ले लोग ने इतना बड़ा कांड किया है। याकूब अंसारी, विजय काम। चलो देख रहे हैं। चल निकल यार। Thank you.
दो लड़के वहां पीछे बैठे हुए हैं। अच्छे से खाओ, शाबाश। थोड़ा गोश्त तो चढ़ना चाहिए ना हड्डियों पे। आराम से। जेल में और बाहर की दुनिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, मगर भूल भुलैया में रहकर जितना भी हम लोगों ने यहाँ के बारे में सुना था कम था। जेल नहीं था ये, एक स्कूल था क्राइम का। केटी और उसके बहुत सारे लड़कों को तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। सब कम से कम 20 साल के थे, जबकि जेल के कानून के हिसाब से अंदर रहने की आखिरी उम्र थी 17 साल। वार्डन की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। हमने उससे नजरें बचाकर जेल के सिस्टम को समझना शुरू किया। उस हरामी ने इधर नोट छापने की मशीन लगा रखी थी। चरस, गांजे और शराब के सप्लाई से उसने सबको इन नशों का बंदी बना लिया था। भूल भुलैया के कुछ अंदर बाहर आने जाने वाले लड़कों से हमने और सस्ती चरस मंगवाई और अंदर अपना भी धंधा शुरू कर दिया। वही धंधा जो हम जेल के बाहर भी करते थे। क्या कर रहा है बे? हरामी, पता नहीं तेरे को, इधर धंधा सिर्फ केटी भाई कर सकता है। क्या बे? हाँ? तुम लोगों के हरामी बाप की जेल है? हाँ? अबे बचकाने, भाईगिरी तेरे अंदर से निकालनी होगी। ए, बाप से तमीज से बात कर, मैं तो एक एक की रसभरी निकाल दूंगा। क्या बोला बे? क्या बे? क्या कर लेगा? उखाड़ेगा? उखाड़ेगा? चल, चू उखाड़ ले, उखाड़ ले। तू तो गया बेटा, आज तू रंगीन मुटेगा। उन लोगों की, हाँ ठीक है, और इधर कोई तकलीफ हो तो मेरे को बोलना। लेकिन अभी क्या फायदा ये सब बोल बच्चन करने का? अरे बेटा, इतना मार खा के भी तेरा मुंह बंद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उसका भी अच्छा इलाज है मेरे पास।
तेरी मां मर गई। चल जाते। ए याकूब, तू नहीं जा सकता। सॉरी। ठीक है याकूब, ये मेरे दो हाथ है, इनमें से तू एक को चुन ले। माँ की चिता को आग देने वाला पहला हाथ तेरा होगा। अस्थियों को बाहर है। मैं अपनी मां को किसी को नहीं देने वाला, समुंदर को भी नहीं। साथ है अब ना रहे।
ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं। पागल मत बन याकूब, अपना टाइम आएगा, अब चल। लगता है इन दोनों को भी मजा आया। हम ऊपर ही ऊपर से मुस्कुराते रहे जब तक सही टाइम नहीं आया। एक एटीवा चलो ना। मेरे को लगा था तेरे को मजा आया होगा। चल 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 चल। अपना बदला ले लिया था और इस बार मर्डर भी हमने ही किया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। यहां एक लड़के का खून होता है और किसी को कुछ पता नहीं किसने किया। क्या आप सो रहे थे? हाँ। चाय लेके आना साहब लोग के लिए। सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप है कौन? आप है कौन मुझसे सवाल पूछने वाला? देखिए ये इंक्वायरी खुद गवर्नर साहब ने बिठवाई, ये जवाब उनको देना है। अच्छा तो उनको बोलो ना खुद आए इधर, दो दिन ये जेल चला के दिखाए। मैं जैसे चलाता हूँ मेरे को मालूम है, ये जेल मेरा है। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि ये आपका नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और दूसरी बात ये कि ये जेल नहीं है, बच्चों को सुधारने की जगह है। अरे बच्चे बच्चे नहीं है ये, हरामी साले। एग्जैक्टली ये बच्चे नहीं है। कृष्णकांत तांबेकर उर्फ केटी की उम्र 23 साल की थी, फिर वो 17 साल की उम्र के बाद यहाँ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे खून मैंने किया है। मैं कोई मुजरिम हूँ क्या? नहीं है यार, यहाँ बच्चों को इसलिए भेजा जाता है ताकि वो समाज में एक अच्छा इंसान बनकर लौटे। समाज? मैं इनको इधर मर्द बनाता हूँ, तुम्हारे समाज में रहने की ट्रेनिंग देता हूँ इनको। जानवर बनकर रहने की ट्रेनिंग? ए, चुप कर हाँ, नहीं तो और भी रास्ता है मेरे पास। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप खुद रिजाइन कर दें या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सस्पेंड कर दे। डिप्टी वार्डन फैजनवर जी, आज से आप यहाँ के नए वार्डन होंगे, राइट? इंस्पेक्टर सर, हमारे पुराने वार्डन साहब को जरा बाहर का रास्ता दिखाइए। सर तुम दोनों खुद चले आया, वरना मुझे खुद आना पड़ता। तुम लोगों की तो
हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस जेल में रहने के। जब तक सजा खत्म हुई तकरीबन 6 लाख रुपए जमा कर लिए थे हम लोगों ने, एक ही मकसद के साथ, भूल भुलैया पे टोटल कंट्रोल। सारी रात हम दोनों खामोश खड़े रहे। भूल भुलैया हमारे लिए तैयार हो ना हो, याकूब और मैं उसके लिए तैयार थे। 11 साल से तैयार थे। मेरी तरफ से थैंक यू सर। क्या वार्डन, हम लोगों को निकलने के लिए ऐसे रिश्वत दे रहा है क्या? याकूब, विजय से ज्यादा मुझे तेरी फिक्र है, क्या होगा तेरा। और विजय, तुमने क्या सोचा है? दुनिया बहुत बड़ी है सर, और इरादे उससे भी बड़े। कभी कभार मिलने आ जाना। जी सर। ए वार्डन, अपने को भी तेरी बात याद आएगी। हाँ पागल। चले बाहर आगे मिलना है तुम लोग। ख्याल रखना रे तुम लोग सब मिलके रहना। चरस कम पी रहे, चरस कम पी। चले ख्याल रख। चल कौन है अपने घर में जो चरस का धंधा कर रहे हैं? यहाँ से सलो कॉपी तोड़ के निकालता हूँ। रुक याकूब, आते ही बवाल करना सही नहीं है। प्लान के साथ चलते। हाँ, पहले मालूम करते। हमने अपने वापस आने की ना खबर ना भनक किसी को पढ़ने दी। बस एक पुराने दोस्त से सारी नई खबरें निकाली। काय पाहिजे? क्या मांगता? मैं रमेश जाधव। कौन मांगता? बहुत टाइम तक तूने हम लोग को 25% दिया और खुद 75% रखा। अब हिसाब बराबर करने का क्या? ये चिनाल, ये भूल गए क्या अपने यार लोग का? ऐसा बोल, यहाँ के कुत्ते कुत्ते भी अपने को जानते हैं।
नाना और पटनी दुश्मन भले ही हों पर वो जानते हैं कि धंधे के लिए शांति चाहिए। अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर पब्लिक मीडिया कुछ नहीं पता लगने देते किसी को भी। इनको मालूम है कि हिंदुस्तान की सबसे गंदी और सबसे अमीर जगह को कंट्रोल करने के लिए किसी एक गैंग या आदमी से कंट्रोल करना नामुमकिन है। आपकी बात सही है रमेश भाई, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब सोच की बात है। अपने को तो दोनों बॉसेस की रिपोर्ट निकालने का ही है, तू अपने साथ है कि नहीं ये बोल। है ना? गौर से देखो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक। भूल भुलैया के दोनों बॉसेस की सीमा, और सबसे पहले नाना चौहान। नाना चौहान उम्र 46 साल, सालाना गैर कानूनी मुनाफा 6 से 8 खोखा, हथियार का धंधा है इसका। ये पूरा इलाका इसके कंट्रोल में है। दोनों में से सबसे खतरनाक अमीर और वट इसका है। कहते हैं कि नाना साहब बोलता बहुत कम है पर नज़र उससे भी कम आता है, ना तो अपुन और ना ही किसी और को उसका पता मालूम। बाला शेट्टी उम्र 40 साल, नाना साहब का राइट हैंड आदमी है ये। उसकी गैर हाजिरी में सारा धंधा यही चलाता है। पहले उसके लिए बंदूक उठाया करता था, अब लोगों को उठाता है। सुलेमान पटनी, ये एक ही है जो यही भूल भुलैया में रहता है। 70 के गुलखान लाला के बाद शहर का सबसे बड़ा नाम है ये चरस गांजे और कोकीन के लिए। लड़कों का एक बड़ा नेटवर्क है इसका, जो इसके लिए शहर के हर कोने में माल पहुंचाते हैं। साल में कम से कम 2 खोखा तो पुलिस को रिश्वत देता है। ज़्यादातर अपनी कोकीन के नशे में खुद ही रहता है। तुम्हारे घर पे इसी ने कब्जा किया हुआ है। सुलेमान पटनी, पहला अटैक इसी पे करना चाहिए। इसका फायदा ये है कि ये यही भूल भुलैया में, इसका एरिया कब्जे में आ गया फिर बाकी जगहों पर घुसना आसान हो जाएगा। ये जितने भी लोग के साथ अभी तक धंधा कर रहा है उन सब के साथ आप उन भी धंधा करेंगे, पुलिस मंत्री डीलर खरीदने वाला दलाल सब लोग। और तेरे को लगता है कि ये सब लोग अपुन के साथ धंधा करेगा? क्यों, पटनी के साथ इन्होंने अपनी बेटी भी है ये क्या? पैसा धर्म है सबका, धंधा उनके साथ करे या अपने साथ। याकूब, सारे लड़के लोग को बोलना है सबका मोबाइल ताबे में लेने का, ताकि बाहर मदद के लिए कोई फोन नहीं कर सके। कितने लड़के लगेंगे? कम से कम 20। ना, 20 लड़के काफी नहीं होंगे। क्यों, 2 बच्चे भी तो काफी थे। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जहाँ मैं सारी प्लानिंग खरीदी और दूसरी सेटिंग्स कर रहा था वहीं याकूब अपने तरीके से आम जमा कर रहा था। जेल में जमा किया हुआ हर पैसा हमारे काम आया यही हथियार खरीदने के लिए, जो हमने भूल भुलैया के डीलरों से ही खरीदा। लेकिन सबसे जरूरी हथियार था आदमी का पावर, या ये कहो बच्चों का पावर। हमने भूल भुलैया के 20 सबसे बेकार लेकिन खतरनाक लड़कों को चुना और फिर शुरू की उनकी ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग जो बचपन में भूल भुलैया में हमें मिली थी। एक बच्चों की फौज बनाकर या तो हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे थे या तो सबसे बड़ी अकलमंदी। जो भी था ये तो आने वाला वक्त ही बताता, और वक्त आ गया था पहले हमले का।
किससे शुरुआत करें? सर मैं सबने हाथ ऊपर कर दिए। कौन? हाँ काजल, तुम बोलो, तुमने क्या किया? सर मैंने कल अपने गली के बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, ये तो अभी से टीचर बन गई। बहुत अच्छा किया। देखो बांटने से ज्ञान बढ़ता है ना? बैठो। सर मैंने कल अपना टिफिन राजू के साथ खाया था क्योंकि उसने टिफिन नहीं लाया था। बहुत अच्छे, तालियां तालियां तालियां। हाँ सुधांशु, क्या हुआ? सर विठल और उसके एरिया के कुछ लड़के 3-4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और विठल की पेंटिंग भी अधूरी है, कुछ ही दिनों में एग्जीबिशन है सर। अगर विठल ने विठल एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट बहुत मूडी होते हैं, आ जाएगा, कर देगा कंप्लीट। मैं कई बार उसके घर गया था सर, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। अच्छा, और सर वैसे भी हमने उसके एग्जीबिशन पर कितना खर्चा कर दिया, आप तो जानते हैं सर हालत क्या है फंड्स की। अगर एग्जीबिशन सही टाइम पर नहीं हुआ तो सर। तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद जाता हूँ, ठीक है? बाकी पगार आने पे दे दूंगा यार। अरे तिवारी यार। जय माता दी सर। नमस्कार। मेरे लड़के ने फिर कुछ? अरे नहीं नहीं नहीं, वो अपने विठल को कहीं देखा? अरे वो पेंटर। हाँ हाँ, वो स्वाति ताई का लड़का। हाँ, मैं तो खुद आपसे पूछने आने वाला था। क्या वो नई गैंग है ना जिसने सुलेमान पटनी का मर्डर किया है? हाँ, उस गैंग का हिस्सा बन चुका है वो। कौन, विठल? जी सर, परसों ही उसे मोहल्ले में 3-4 लड़कों के साथ पिस्तौल के साथ घूमते हुए देखा गया है। क्या? आपके स्कूल का लड़का। मुझे तो लग रहा था अफवाह होगी, लेकिन खबर सच्ची है सर। संभाल के सर। देख, पिस्टल में ना हमेशा गड़बड़ होता है लॉकिंग में, इसलिए गाड़ी साफ करेगा ना अच्छे से तो बंदूक में से गोली मस्के के माफी निकलेगी एकदम, समझा? हाँ। और वो सुन, जितने भी तुम लोग के पिस्टल है ना उसको ठीक से साफ रखा करो। सर तुम इधर कैसे? तुम तो वो दक्षिण इलाके से हो ना? हाँ सर, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हैं? क्या होगा तेरा फिर, पिछली इसी से बचने वाली है तेरी। क्या तेरे तो विठल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल यहाँ से। ये कौन है भाई? शिक्षक हूँ मैं इसका, टीचर। तू कौन है? अगर गोली चलाए ना तो तेरा बाप भी बन सकता है। गैंगस्टर बनना इन लोगों की तरह तुझे? बाकी लड़कों की जिम्मेदारी दी थी, सबको लेके यहाँ गया? अरे भगवान ने कला दी है तेरे हाथों में, इन लोगों की जरूरत नहीं है तुझे।
जिंदगी बर्बाद कर देंगे तेरी। ए मास्टर, इतनी देर जिंदा रह के बोलने दिया ना, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यही टपका दूंगा तेरे को। मास्टर जी, अभी बस, कोई जबरदस्ती नहीं किया इन लोग के साथ, अभी इधर से कमती हो लो, वरना तुम्हारा एक छोकरा लोग ही तुमको मार देगा। क्या? कौन? ये मारेंगे मुझे? हा? ये लड़के लोग, ये फैजल, ये गायकवाड़, ये सुनील, ये मारेगा मुझे? हा? चलो मारो मारो, अरे तुम्हारा बॉस कुछ बोल रहा है, मारो ना। सर उठा के जीने के लिए सिखाया था मैंने, सर झुका के खड़े हैं, मेरे मरने के लिए इतना काफी है। ऐसे कैसे कर सकता है विठल? मैं समझाऊंगी विठल को, दीदी मानता है मुझे। तुम कुछ भी कहो निर्मला, उन लोगों ने 16, 17, 15 साल के लड़कों को इकट्ठा किया है पूरे भूल भुलैया से। मुझे चैन नहीं आ रहा। पता है, आज डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हमें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा टाइम है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया क्या सेफ जगह है एक नन्ही सी जान खुलाने के लिए। लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे भरोसा हो जाता है कि जब तक मेरे पति जैसा एक भी इंसान इस दुनिया में है, ये दुनिया सेफ है। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे, अच्छी तरह जानती हो ना मैं तुम्हें। हम लोग भी भूल भुलैया से ही हैं। हम गैंग में भर्ती होने के लिए आए हैं। चला नाचो। बग, अरे गुरुजी, आइए ना, खाना खाइए। नहीं, मुझे जरा विठल से काम था। जा विठल जा। बारह साल का था तू जब तुझे हाथ पकड़कर स्कूल लाया था, अब तो तू बहुत बड़ा बन गया।
हमारे छोटे से स्कूल के लिए थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तेरे पेंटिंग्स की एग्जीबिशन बहुत अच्छी जगह लग रही है। बस ये अधूरी पेंटिंग पूरी कर दे। सर, आज बहुत दिनों के बाद मेरी माँ और बहन ने पेट भर के खाना खाया है। मुझे माफ कर देना सर। गलती तुम्हारी नहीं है। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती है वैसे वैसे हमारे धंधे भी। भूल भुलैया की गलियों से निकलकर हम पॉलिटिशियंस की पार्टीज तक आ गए। मिनिस्टर के बेटे को हमारे कोकेन की जरूरत थी और हमें उसकी। क्या सुबह सुबह बैठा है सर? क्या हुआ? मैं कल किसी को मिला। किससे? एक लड़की से। क्या तुझे पता है 24 साल में तूने कभी सोचा अपनी कभी कोई जीएफ ही नहीं हुई? वो क्या बोलते उसको, गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्या माँ फाड़ रहा है? अभी तक नल्ला है ना तू, इसलिए तेरे को बोलता हूँ। वो गफूर भाई की बेटी देखी है, रुखसाना? क्या रावस आइटम यार, तू भी ना यार, कमाल करता है मैं। अच्छा 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 चल बोल बोल बोल। मैं जब उसको मिला ना तो मेरे को है ना कुछ एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं, लेकिन कुछ सॉलिड है एकदम, मतलब कुछ 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 होता है तुम पास आए। अरे जाना यार, छोड़ना। यू मुस्कुराए। अच्छा चल, एकदम सीरियस बोल बोल। क्लास ले रहा है ना तू? अरे तू बोल ना यार, अभी उठा के लेके आते, इधर ही मंडप बांधते और इधर ही मनाते तेरी शादी। तू आवाज करना सिर्फ, बाहर हो गया अपन। ए रमेश, अबे उनको थोड़ी ना। फयाज, अबे चुप कर, क्या कर रहा है? ए सुनो रे, अबे साले चुप कर। ए सुनो रे, विजय केला रे, ए विजय केला, अबे मंडा पागल।
बचपन के घावों को भरने के लिए मुझे संध्या का प्यार मिल गया था, लेकिन याकूब इतना खुश नसीब नहीं था। मुझसे छुपाकर उसने दूसरे तरीके ढूंढ लिए थे अपने जख्मों को भरने के लिए, जैसा अक्सर हम जैसे बच्चों के साथ होता था जिनकी जिंदगी और दिमाग दोनों की लग चुकी होती। नहीं किया चले, पकड़ 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 चला 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 बस आ रहा हूँ। गिरा गिरा के क्यों खा रहा है? खाने को नहीं आता क्या? आपके लिए क्या लाऊं? चाय। लाइए 7 रुपए। 7 रुपए। मैं आती हूँ। 5 मिनट में खाना बनाती हूँ। नहीं अभी दिल नहीं कर रहा। हाँ बस सर, कुछ देर चुपचाप तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ बस।
विजय, ये नए गोडाउन की डील आज पक्की करनी है यार, और रमेश इधर मेरा दिमाग खा रहा है। मैं विट्ठल और कुछ लड़के लोगों को भेज दूंगा उधर, तू टाइम पर पहुंच के देख लेना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। रात को मिलते हैं डार्लिंग। रखता हूं मैं। सलाम विजय भाई, याकूब नहीं आया? क्यों, याकूब को सस्ते में बेचेगा। आइए। सलाम विजय भाई, एक और गोडाउन लेने का जरूरत पड़ा। बहुत मस्त धंधा बढ़ गया है। बढ़ नहीं गया, बढ़ा दिया। गोडाउन देख लो जरा। साला जिसने भी किया है, मैं बोलता हूं टपका देते सबको। पहले विट्ठल को वहां से निकालना जरूरी है। भाई नीचे सब लड़का लोग तैयार है। एकदम चौकन्ने रहना सब। ए, तू कहां जा रहा है? लेने विट्ठल को, कुछ नहीं होना चाहिए उसको।
मेरे को मालूम है ये हमला दूसरे धंधों के बॉसेस लोग ने कराया है। अगर ऐसा है तो वो फिर से हमला करेंगे। अब हमला हम करेंगे। निर्मला। हाँ? सब पेंटिंग्स बिक गए, एक एक पेंटिंग बिक गए। अगर 20 पेंटिंग्स और होती ना तो वो भी बिक जाती। मैं कल ही विठल के पास जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि उसके हुनर के कितने पैसे मिले हैं। सर। हाँ। अरे विठल, मुझ पर अटैक होने के बाद याकूब गुस्से से बेकाबू हो गया और नाना चौहान के गैंग के साथ साथ उसने बाकी गैंग्स पर भी हमला किया जिनसे हमें खतरा हो सकता था। उस रात जो शुरू हुई वो भूल भुलैया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग थी। पूरा एरिया छान मारा, अपने और भी छोकरे लोग ढूंढ रहे हैं उसको हर तरफ। वो मिल जाएगा भाई। मुझे मालूम था तो आएगा। क्या हुआ विठल? निर्मला विठल, विठल क्या हुआ बेटा? विठल क्या हुआ? शीला ताई, मुझे माफ कर दो सर, प्लीज बचा लो मुझको। तू घबराना मत, मैं हूं ना। अरे कोई है? निर्मला, शीला ताई, तुम काय झालो? मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा तुझे, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। कोई है? बाला भाई, बाला भाई, बहुत डर लग रहा है सर। कुछ नहीं होगा, तू घबराना मत, मैं हूं ना। डॉक्टर को बुला जल्दी। मन करो बे, वो जो भी है उसको आज ही ठोकेंगे अपन। भेज उसको इधर जल्दी। क्या चूतिया बन किया बाला? दो महीने के लिए बाहर क्या गए तेरे से धंधा नहीं संभाला गया? ये अपने धंधे के लिए सही नहीं है। वो नई गैंग जिसने पत्नी को मारा था, आज भुलैया में उन पर शूटआउट हुआ। अटैक किया पत्नी के पुराने लोगों ने, उनको लगा हमने किया। अब ये सुनो नाना साहेब, ये दोनों वही बच्चे हैं
जिनको आपने बॉस के मर्डर में अंदर करवाया था, याकूब, विजय।
नहीं है तुझे, जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरे। तुम सोए नहीं भाई? सूरज नाम है ना तेरा? कहाँ रहता है तू? यहीं भूल भुलैया में। कौन कौन है घर में? माँ और मेरी बड़ी बहन, उसकी शादी करना है मेरे को। बाप नहीं ना तो सब मेरे को ही करना है। कितने पैसे चाहिए होंगे शादी के लिए? भाई कुछ नहीं तो 1,00,000 रुपए में सब अच्छे से हो जाएगा। मैं दूंगा तुझे, लेकिन एक वादा करना होगा, आज रात को ये जगह छोड़ के तू चला जा और अपने साथ तेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे सबको वापस ले जा। भाई भाई लेकिन बहन की शादी करनी है ना तेरे को? हाँ। बाहर जाने की 99 से भी ज्यादा रस्तों पर फील्डिंग लगा के रखी है, अब सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। उनके 150 से भी ज्यादा लोग हमको ढूंढ रहे हैं, उनसे भिड़ना नामुमकिन है। हम सब उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये गेम अब खत्म हो गया है। क्या बकता है बे? गेम जब हम चाहेंगे ना तब खत्म होगा, तू बस कहीं से भी और लड़के ढूंढ कर ला। कहां से? सब तेरे सामने
आधी से ज्यादा गैंग पकड़ी गई और बाकी छोकरे डर के मारे भाग गए। भूल भुलैया में इतने लड़के हैं जो इनका मुकाबला कर सके? मैं तो कहता हूं कि चुपचाप बच निकलने का रास्ता ढूंढो। क्या बोल रहा है तू? अपने इधर भूल भुलैया के बादशाह बनने आए, समझा? यहां से भागने के लिए नहीं। विजय समझा इसको, समझा? पूरी भूल भुलैया में हमारी खबर फैली हुई है, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। किसी को शौक नहीं है तेरी तरह मरने का। रमेश भाई बस, अगर हम लोग भूल भुलैया से निकल नहीं पाएंगे तो उसको मिटा के जाएंगे और अपने पकड़े हुए लड़कों को यहां से बचा के जाएंगे। कैसे? कैसे? हाँ? आशीष तेरा बाप होम मिनिस्टर है, तू खुद अब एक लीडर है, ये मत बोल तू कुछ नहीं कर सकता। बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, अब अगर मैंने हाथ डाला तो प्रेस को भनक पड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, बाय। बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, अब अगर मैंने हाथ डाला तो प्रेस को भनक पड़ जाएगी। आप भूल भुलैया में होंगे, क्या चाहिए? आपकी मदद। क्या? अगर अभी आपने मेरी मदद नहीं की तो बहुत सारे लड़के मारे जाएंगे। उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। सिर्फ मेरे मरने से भूल भुलैया नहीं मरेगा, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं उससे सब खत्म हो जाएगा। मैं भी। मुझसे क्या चाहते हो? मैं मीडिया के सामने जाके सब सच बोल दूं, अपने बारे में, अपने गैंग के बारे में, बाकी सब बॉसेस और उनके धंधों के बारे में। एक जर्नलिस्ट और उनकी टीम को अंदर लेके आना है ताकि बाहर की दुनिया को इस दुनिया का सच पता चल सके। सारे बाहर जाने के या अंदर आने वाले रास्तों पर फील्डिंग लगी है। एक आप ही ऐसे आदमी हो जिसको कोई रोकेगा नहीं। ये उनका मोबाइल नंबर और वहाँ का एड्रेस है जहाँ वो आपको मिलेंगे। अश्विनी जी, विट्ठल की मौत का अफसोस मुझे भी है। आप मदद नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन जितनी देर होगी उतने लड़के और मरेंगे।
3, 2, 1. नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका शुक्ला। आज की बड़ी खबर मासूम बच्चों पर हो रहे अत्याचार की, जिसे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शहरयार हुसैन ने इस खतरनाक भूल भुलैया में शूट किया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। जिन बच्चों की मारे जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बच्चे भूल भुलैया के उसी गैंग का हिस्सा है जिस गैंग का बॉस इस वक्त फरार है। क्या क्या किया तूने? समझने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं? सलाम साहब की पूछ लगा दी है तूने। क्या समझूं मैं? क्या समझा सकता है तू? समझा। भूल भुलैया में पुलिस घुसेगी तो नाना बौखला जाएगा, उसका ध्यान अपने पे से हटेगा और हम अपने बचे हुए लड़कों को बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? क्यों निकलेंगे? साला पूरी जिंदगी भूल भुलैया को हासिल करने में लगा दी और आज जब ये हो रहा है तो कह रहा है निकल जाएंगे। एक रात की हार की वजह से निकल जाएंगे? याद है जेल की वो काली रात जब निकलने का रास्ता सामने था, तब तूने कहा था नहीं भागेंगे और अब तू निकलने की बात कर रहा है। याकूब अपने नशे से बाहर आ मेरे भाई, सब खत्म हो गया। घंटा, अपने पास पैसा है और पिछवाड़े में दम भी, आने दे कौन आता है सामने। पैसा है मेरे भाई, पैसा है, टाइम नहीं है। अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। तू मेरे साथ है? बोल, मेरे साथ है मेरे भाई? तेरे साथ ही था मैं जब वार्डन और केटी ने उस रात हम लोग की मार दी थी। तेरे साथ ही था मैं जब माँ हम लोग को छोड़कर चली गई थी, जब हमारा बचपन हमसे छिन गया था, जब वो भड़वा हमको बचपन में छोड़ के चला गया था। तेरे साथ ही था मैं पूरे 11 साल, एक एक दिन साथ मैंने। तू छोड़ रहा मेरा भी और अपने खुद का भी। मेरा विजय नहीं रहा तो नहीं रहा मेरा विजय। विजय, हमारा तीर सही निशाने पर लग गया है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से पुलिस आज ही भूल भुलैया पे रेड करने वाली है। मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज नतीजा निकला है। और अब तुम दोनों भी वहां से निकलो। अपना किया हुआ वादा याद है ना? जी, याकूब और मैं आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू। देख इनको, ऐसे ही थे ना हम लोग भी। हम लोग ने गैंग इसलिए तो नहीं बनाया कि ये लोग सारे मारे जाए। इनके मौत की जिम्मेदारी लेना चाहता है तू? विठल मेरी गोली से मरा। उसके खून का दाग अभी भी मेरे हाथ पे। बचपन में वो हरामी हमको मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया था, लेकिन हम इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। याकूब, संध्या और मुझको बच्चा होने वाला है। क्या? हम लोग जब माँ को छोड़कर गए थे 11 साल के लिए, आज मुझे लगता है कि हम लोग नहीं गए होते और रह गए होते और उसके पास रहकर उसका ख्याल रखा होता तो माँ आज भी जिंदा होती। याकूब, मैं संध्या और मेरे बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता और तेरे बिना भी नहीं रह सकता। बचपन से जब से हमने बॉस को मारा है तब से लेकर आज तक हम लोग भाग ही रहे हैं। बस रुक जाते हैं यार। देख, पैसा बहुत है हमारे पास,
फिर से एक घर बनाते हैं छोटे, यहां से कहीं दूर, तू, मैं, संध्या, मेरा बच्चा, बोल मेरे भाई, क्या आप भी हम साथ हैं? साले बड़ी जल्दी मान गया। अब मैं तुझे प्लान बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। जर्नलिस्ट को हम दोनों मिलकर कैमरा पे बयान देंगे, उसके बाद सही मौका देखकर तू हमें ऑर्डर नहीं मिले, नेशनल इश्यू बन गया है। विजय और याकूब के साथ साथ आपके लिए भी स्टेट होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकल चुके हैं। इधर आ जाओ।
था याकूब। कहाँ है तू? ठीक तो है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तो इंटरव्यू के लिए तेरा इंतजार कर रहे हम लोग, तो पक्का ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ विजय। ए मास्टर चुप करो तू। यार एयरपोर्ट के लिए निकल, लेकिन हमारा प्लान चेंज समझा, रास्ता खुला था, मैं तेरे को सीधा एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। अभी तू भी जल्दी कल टिले उधर से। ए ऑस्मन कोई चिल्लाएगा नहीं। और छोटे तू फिक्र मत कर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। याकूब एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है हमारा। और सुन, जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेगा गेट नंबर 2 पे रुकना, मैं तेरे को वहीं मिलूंगा। हेलो अब याकूब। हेलो 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 विजय तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब हेलो अब हां आप सुनाई दे रहे। हेलो रेडी विजय? अगर याकूब नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू शुरू करें। जी सर चलो। खुदा हाफिज़। बच्चों को लेकर निकल जाए यहां से। जा याकूब, अभी वक्त है, सरेंडर कर दे। सुन मेरी बात, अभी तो गोलियां बाकी है टीचर, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अपने बच्चों को लेकर जाए यहां से। जा टीचर जा, कल दस बार कल। चलो 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 जल्दी। याकूब की और मेरी कहानी। शुक्रिया। चलो
अरे डोंट शूट नाउ, जाओ जाके टैक्सी लेकर आओ, जाओ। ये तो मर गया सर। ओह नो, भागिए सर, भागिए। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। एक अहम खबर अभी अभी आई है, विजय कामले और याकूब अंसारी ये दोनों ही दो अलग अलग हादसों में मारे गए हैं। मारे जाने से पहले विजय कामले का दिया हुआ एक्सक्लूसिव कन्फेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिंदा रहने के लिए हमारा एक बार मरना जरूरी था। मैं याकूब तक नहीं पहुंच पाया। मुझे मालूम है, वो अभी तक एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। चलो चलो, मेरी बात हो चुकी है उससे, हम लोग निकलते हैं। क्या हुआ विजय? क्या याकूब नहीं रहा? उसे गोली मार दी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से। और भाई मेरा याकूब की मौत से टूट गया था, उसे दफना भी नहीं पाया। हमारी कहानी के बाद गवर्नमेंट ने आखिरकार अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। नाना चौहान को एनकाउंटर में मार दिया गया। यूनिसेफ और अल्लाह के बंदे फाउंडेशन ने देश भर में उन लाखों बच्चों की मदद की जो क्राइम से प्रभावित थे। मेरा बयान एक छुपी हुई गंदगी को समाज के सामने लेकर आ गया था, वही गंदगी जिसने वार्डन की भी जान ली। एक सड़क के किनारे लाश मिली उसकी। कभी कभी सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमारा हाथ पकड़ के हमसे कहे तुम अकेले नहीं हो। ये उस्मान, उस्मान पटनी, ये आज से हमारे साथ पढ़ेगा। ओके, ठीक है। कभी कभी सिर्फ थोड़े से प्यार की जरूरत होती है।